दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं। इन अमीर लोगों की बेशुमार नेटवर्थ इन्हें एक ऐसे घर में रहने का मौका देती है जिसके बारे में हम और आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। आज इस दुनिया के सबसे फेमस और महंगे घर इन्हीं अमीर लोगों के पास हैं, जिनमें हर वो फैसिलिटीज मौजूद हैं जो इनके घरों को एक घर से कहीं ज्यादा बनाती है। तो चलिए जानते हैं आज दुनिया के अमीर लोगों द्वारा खरीदे गए कुछ सबसे एक्सपेंसिव घर। नंबर 10, डोनाल्ड ट्रंप हाउस। डोनाल्ड ट्रंप एक जाने माने बिजनेसमैन और अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट पद पर रहते हुए उन्हें व्हाइट हाउस में ही रहना पड़ता था, लेकिन ट्रंप के पास खुद का एक बेहतरीन घर भी है जो कि ट्रंप टावर के नाम से जाना जाता है। और प्रेसिडेंट बनने से पहले वो परिवार समेत इस घर में ही रहते थे। ये घर बहुत ही ज्यादा बड़ा और सुंदर है, जिसमें कुल 65 फ्लोर है, जिनमें से 3 फ्लोर ऐसे है जो की पूरी तरह से सोने और मार्बल से ढके हुए है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी की इस घर का फर्नीचर सोने से जड़ा हुआ है और दीवारों पर भी सोना लगाया हुआ है। इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इसके ऊपर से सारा न्यूयॉर्क शहर दिखाई देता है, जिनमें सबसे अच्छी जगह है मैनहट्टन का सेंट्रल पार्क जो कि ट्रंप टावर से साफ साफ दिखाई देता है। इस घर में बहुत सारे बाथरूम मौजूद हैं, जिनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि उसमें सोने का टॉयलेट लगा हुआ है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस घर में आपको कोई भी चीज सस्ती नहीं दिखाई देगी और यहाँ चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी है। और अगर बात करें इस घर की कीमत की तो इनके इस घर की कीमत है 9,000 करोड़ रुपए। नंबर 9, बिल गेट्स हाउस। आप सभी माइक्रोसॉफ्ट के मालिक यानी कि बिल गेट्स को तो जानते ही होंगे, जो कि इस दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बल्कि आप सभी को मालूम है कि बिल के पास एक बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हाईटेक घर मौजूद है जो कि वाशिंगटन के मेडिना में स्थित है और जिसकी कीमत करीब 1,100 करोड़ रुपए है। दोस्तों इनके इस घर का नाम है जेनेडू 2.0, जिसे करीब 70,000 स्क्वायर फीट में बनाया गया है और जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। अब आपके मन में ये ख्याल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इसमें कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। वेल, इस घर में रोटेशनल आर्ट वर्क्स लगाए गए हैं जो कि बटन दबाते ही बदल जाते हैं। साथ ही इस घर में ऑटोमेटिक क्लाइमेट और लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम भी लगाए गए हैं, जो कि इसे और भी ज्यादा अद्भुत और अविश्वसनीय बनाती है। सिर्फ यही नहीं, इस घर में 6 किचन, 7 बेडरूम्स, 24 बाथरूम और 20 फीट सीलिंग वाला एक ट्रम्पलिन रूम भी मौजूद है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस घर में बिल गेट्स की किताबें पढ़ने के इंटरेस्ट के हिसाब से एक लाइब्रेरी भी मौजूद है जो कि करीब 2,100 स्क्वायर फीट में फैली हुई है। इसके साथ ही अंडरवाटर म्यूजिक सिस्टम से लैस एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है इस घर में। नंबर 8, बर्नार्ड अर्नोल्ट हाउस। बर्नार्ड फ्रांस के पहले और दुनिया के तीसरे सबसे बड़े अरबपति हैं, जो कि LVMH नाम की कंपनी के CEO हैं। दोस्तों बर्नार्ड दुनिया भर में अपनी शानदार लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं और उनके द्वारा फ्रांस के पेरिस में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव और आलिशान घर खरीदा गया है। इसका नाम क्लासिक वाटरफ्रंट विला है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि उनका ये घर सेंट्रो पास के एक आइलैंड के ऊपर निर्मित है, जिसमें कई सारी सुविधाएं मौजूद हैं। इस घर में 7 बेडरूम्स, 5 बाथरूम्स, आउटडोर टेनिस कोर्ट और स्टाफ के लिए अलग से कमरे, गेस्ट एरिया और एक आउटडोर स्विमिंग पूल भी मौजूद है, जो इसे और भी ज्यादा सुंदर और आकर्षित बनाता है। इस घर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस घर का इंटीरियर और फर्नीचर आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। अगर बात करें इस घर की कीमत की तो इस घर की कीमत है 3,000 करोड़ रुपए। नंबर 7, लैरी एलिसन हाउस। ओरेकल कॉर्पोरेशन के CEO लैरी एलिसन द्वारा कैलिफोर्निया के वुड साइड में एक बहुत ही महंगा घर खरीदा गया है जो कि बहुत ही सुविधाओं से लैस है। दोस्तों उनके इस घर को जैपनीज स्टाइल से डिजाइन किया गया है, जिसकी कीमत करीब 800 करोड़ रुपए है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि उनके इस घर में एक ह्यूमन मेड लेक भी मौजूद है जो कि 2.5 एकड़ में फैला हुआ है। और साथ ही साथ इस घर में एक सीज़मिक रेट्रोफिट भी लगाया गया है जो इसे भूकंप से भी बचाता है। क्या आप सभी को पता है लैरी गानों के बहुत ही ज्यादा शौकीन है और इसी वजह से उनके स्विमिंग पूल के पास से इंटरटेनमेंट सिस्टम भी लगाया गया है जो कि रॉक सेंसर्ड साइज का एक वीडियो प्रोजेक्ट है, जिसे वो नहाते समय म्यूजिक का आनंद उठाते हैं। इस एंटरटेनमेंट सिस्टम की सबसे खास बात यह है कि इसका बैग स्विमिंग पूल के अंदर ही मौजूद है, जिसे नहाते समय पानी के अंदर भी आवाज आती है। और अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो करीब 7 करोड़ रुपए का है ये सिस्टम, जो कि बहुत ही ज्यादा है। और अगर इनके कम्प्लीट घर की कीमत की बात करें तो इनके इस घर की कीमत है 5,000 करोड़ रुपए। नंबर 6, जेफ बेजोस हाउस। जेफ बेजोस आज दुनिया के
के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, क्योंकि अमेजोन कंपनी के मालिक हैं वे और जिनकी कुल नेटवर्थ है 8 लाख करोड़ रुपए। क्या आप सभी को पता है कि इनके पास बेवली हिल्स स्टेट में करीब 170 करोड़ रुपए का घर मौजूद है जो कि 11,900 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इनके इस घर के निर्माण में 2 एकड़ की जमीन का इस्तेमाल किया गया है जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है। उनके इस मेंशन में स्विमिंग पूल, जिम, टेनिस कोर्ट, एक बड़ा सा मोटर कोर्ट, एक ग्रीन हाउस और 6 गैरेज जैसी सारी चीजें मौजूद हैं। इसके साथ ही मेहमानों के रुकने के लिए एक अलग से घर बनाया गया है इस घर में। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति उनके इस घर में अकेले घूमने जाता है तो वो तुरंत ही खो जाएगा क्योंकि ये इतना ज्यादा बड़ा है। नंबर 5, सेलिनो गोम्स हाउस। सेलिनो गोम्स एक जानी मानी अमेरिकन सिंगर और एक्ट्रेस है जो की दुनिया भर में अपने बेहतरीन गानों के लिए जानी जाती है। आज उन्हें दुनिया की सबसे सफल गायिकाओं में से एक माना जाता है जिन्हें लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं और अपनी इसी फैन फॉलोइंग के चलते उनका नाम अमेरिका की सबसे अमीर सेलिब्रिटीज में आता है जिनकी नेटवर्थ करीब 600 करोड़ रुपए है। दोस्तों, सेलिना द्वारा कैलिफोर्निया में 3 एकड़ में फैली ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है। इसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए है। करीब 8,000 स्क्वायर फीट में फैले इनके इस घर में 5 बेडरूम्स और 5 बाथरूम्स मौजूद हैं जिन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है, जिनकी बेहतरीन कारीगरी देखते ही बनती है। इन सब के साथ सेलिना के इस घर में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल और एक स्पा भी बनाया गया है जो कि उनके घर के बैकयार्ड में स्थित है। नंबर 4, विल स्मिथ हाउस। विल स्मिथ से तो आप सभी अच्छे से वाकिफ होंगे जो कि हॉलीवुड के बहुत ही फेमस एक्टर हैं। अपनी 1800 करोड़ की नेटवर्थ के साथ विल के पास एक बहुत ही आलीशान घर है जो कि 25,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है और करीब 160 एकड़ जमीन के ऊपर बनाया गया है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस घर का निर्माण 2003 में शुरू हुआ था जिसे पूरा होने में करीब 7 साल लगे। आज विल यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। इस घर में 9 बेडरूम्स, एक मेडिटेशन लॉन्च और एक म्यूजिक स्टूडियो भी मौजूद है जिनके साथ बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस कोर्ट भी मौजूद है। साथ ही यहाँ एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल और 8 गाड़ियों की पार्किंग के लिए एक बेसमेंट भी बनाया गया है जहाँ पर विल अपनी महंगी कारें रखते हैं। इसके अलावा ये घर नेचर से बहुत ही ज्यादा जुड़ा हुआ है जो कि इसकी दीवारों, सीलिंग और फर्नीचर को देखकर साफ समझ आता है। अब आप कहीं इस घर की कीमत के बारे में तो नहीं सोच रहे? वेल, इस घर की कुल कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है जिसे फेमस डिजाइनर टिफिन द्वारा डिजाइन किया गया है। नंबर 3, अमिताभ बच्चन हाउस। आज अगर भारत के सबसे चहेते एक्टर्स की बात की जाए तो उनमें अमिताभ बच्चन जी का नाम सबसे ऊपर आता है क्योंकि इनके द्वारा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ा योगदान दिया गया है। अमिताभ बच्चन का घर मुंबई में बहुत ही ज्यादा मशहूर है और शायद यही वजह है कि जब भी भारत का कोई भी व्यक्ति मुंबई जाता है तो वो अमिताभ जी का घर जरूर देखने जाता है। उनके इस घर की कीमत करीब 120 करोड़ रुपए है जो कि 10,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। साथ ही इसके चारों तरफ मिरर ग्लास लगे हुए हैं। उनके इस घर में बहुत ही बड़ा ड्राइंग एरिया, बेहतरीन इंटीरियर से बने हुए बेडरूम्स और बड़ा सा मंदिर, आउटसाइड गार्डन और 2 बड़े खूबसूरत बाथरूम्स मौजूद हैं जिनमें बड़े बड़े बाथटब रखे हुए हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि उनका इस घर का गैरेज सबसे ज्यादा बड़ा है जिसमें करीब 8 कार्स एक साथ रखी जा सकती हैं। अगर इस घर की कीमत की बात करें तो इस घर की कीमत है 300 करोड़ रुपए। नंबर 2, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाउस। दोस्तों, आप सभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को तो जरूर जानते होंगे जो कि दुनिया के एक बहुत ही जाने माने फुटबॉलर और सबसे अमीर खिलाड़ी हैं। अपने नाम के अनुसार ही रोनाल्डो के पास बहुत ही आलीशान घर है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा और महंगा है। ये घर मैड्रिड के पास के एरिया लेफेंका में स्थित है जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं। इस घर की कीमत करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है जिसमें 4 स्विमिंग पूल, किचन सहित बड़ा गार्डन और बहुत ही आलीशान कमरे हैं जिनकी खिड़कियों में ग्लास लगे हुए हैं। इसी के साथ इस घर के बाहर एक बहुत ही बड़ा मैदान है जहां रोनाल्डो अपने बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हैं। अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए रोनाल्डो द्वारा इस घर में एक अल्ट्रा मॉडर्न जिम भी बनवाया गया है जहां हर तरह के जिमिक इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। अगर बात करें इस घर की कीमत की तो इस घर की कीमत है 800 करोड़ रुपए। नंबर 1, MS धोनी हाउस। महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान और एक बहुत ही अच्छे विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जिन्होंने भारत को ICC के तीनों फॉर्मेट में चैंपियन बनाया है। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि धोनी के पास झारखंड के रांची में बहुत ही सुंदर फार्म हाउस है जो कि 7 एकड़ की जमीन में बनाया गया है। इनके इस घर का नाम है कैलाशपति जो कि बहुत ही सुख सुविधाओं से लैस है और जहां वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि धोनी के इस घर में एक इंडोर स्टेडियम भी मौजूद है जहां वो अपने दोस्तों और बेटी के साथ बहुत सारे खेल खेला करते हैं। इसके अलावा इस घर में स्विमिंग पूल, नेट प्रैक्टिसिंग फील्ड और अल्ट्रा मॉडर्न जिम भी मौजूद है। लेकिन एक चीज जो आपको चौंका रख देगी वो है धोनी के फार्म हाउस में मौजूद 5-स्टार होटल जहां वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं। इसी के साथ उनके घर के आसपास सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आती है क्योंकि धोनी को पेड़ों से बहुत ही ज्यादा लगाव है। इतना
ही नहीं, धोनी अपने इस घर के आसपास की कुछ जमीनों में खेती बाड़ी भी करते हैं। इस घर की कीमत के बारे में बहुत से लोगों द्वारा अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन इसकी सही कीमत आज तक कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें।